हाँ, तो आज हम बच्चों वर्किंग विद लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेज फ्रॉम द बुक्स। वाक्यों में दिए खाली स्थान नीचे भरेंगे हम विद द वर्ड्स, शब्दों की सहायता से, और फ्रेजेज फ्रॉम द बुक्स, या फिर वाक्यांश की सहायता से, बुक्स से। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, हो सकता है आपको सारे मीनिंग ना पता हो शब्दों के। लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी, ऐसे शब्दों को आप एक डिक्शनरी में खोजे और आस्क योर टीचर अथवा अपने अध्यापक से पूछे। अब बॉक्स में हम मीनिंग और ये फ्रेजेज वर्ड्स और जो फ्रेजेज हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक मीन्स बदकिस्मत, किस्मत खराब, मिस्ट्री रहस्य, ट्रू टू हिज वर्ड वचन का पक्का, चोर्च घरेलू काम, दैनिक रोजमर्रा के काम, सेमेस्टर सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी आप और मेरे बीच में, लुकअप खोजना तलाशना। अब सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे आएंगे, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक अ बोर, कुछ लोग घरेलू खाली स्थान पाते हैं बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, परंतु मैं घर पे मदद करना पसंद करता हूं। तो अब इसमें क्या हो सकता है बच्चों, गेस इट, चोर्च। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्च अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। ओके, सेकेंड नंबर, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ ब्लैंक, किसने डायमंड चुराया खाली स्थान है अभी तक। गेस इट, इट इज मिस्ट्री, किसने हीरा चुराया अभी तक रहस्य है। थर्ड, दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, इस खाली स्थान में हम एक क्लास प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, दिस सेमेस्टर। फोर्थ ब्लैंक, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, खालिस्थान बोने व्यक्ति ने पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया, ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वादे को निभाते हुए, अपने वादे को निभाते हुए। फिफ्थ, कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप खालिस्थान इस शब्द को डिक्शनरी में ब्लैंक। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, कैन यू लुक अप, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप डिक्शनरी में यह शब्द खोज सकते हैं। सिक्स, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैंने शुरू किया था जल्दी ही समय पे पहुंचने के लिए, बट आई वॉज ब्लैंक, परंतु मैं खाली स्थान था, देर वॉज अ ट्रैफिक जैम, वहां पे एक ट्रैफिक जैम लगा था। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, ट्राई टू गेस, आउट ऑफ लक, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, चला मैं जल्दी था लेकिन मैं आउट ऑफ लक था। सेवंथ, सी सेज, सी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, वह कहती है उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, बट ब्लैंक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, परंतु खालिस्तान मेरे विचार से हमारे बीच बहुत सारी उधार ली गई है। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, बचाइए की है, और वैसे भी बिटवीन यू एंड मी, परंतु मेरे विचार से मेरे और तुम्हारे बीच क्या है वो उधार ली गई है। ओके बच्चो, अब नेक्स्ट बी पार्ट, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, अब क्रॉसवर्ड पजल हम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लूज, क्लूज इसमें दिए गए हैं बच्चों। अब अक्रॉस में देखो, फर्स्ट पार्ट में वेरी टायर्ड, अब ये लेसन से ही रिलेटेड है बच्चों, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, फर्स्ट देखिए यहां पे है, अब बहुत थका हुआ, तो अब इसमें क्या आएगा, वी अ री, वी अ री, थका हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पर गुस्सा होना, तो इसमें गेस करिए बच्चों क्या आएगा, स्काउल्ड, एस सी ओ डब्ल्यू एल ई डी, स्काउल्ड। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्राउजर्स, तो थर्ड में क्या जाएगा बच्चों, शॉर्ट ट्राउजर्स को हमने पढ़ा था लेसन में, क्या आएगा, ब्रीचेज, ब्रीचेज। ओके, अब फोर्थ है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, कोई मशीन में दोष होना, कमी होना, जो इसे क्या है अच्छी तरह से काम करने से रोकता है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लिच, जी एल आई टी सी एच। अब नेक्स्ट आपका अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरे, एक छोटा और शरारती फेरी लड़का, तो एल्फ,
फिफ्थ पे क्या जाएगा बच्चों? एल्फ, बोना व्यक्ति, फेरी होता है ना वो। अब डाउन पे चलेंगे बच्चों, ये था अक्रोस, इस तरह से ये अक्रोस होता है और ऐसे डाउन होता है। तो अब हम सिक्स्थ पे आएंगे। सिक्स्थ है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरीडे ऑफन बोरिंग। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा काम जो हम हर रोज करते हैं प्राय वो बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। तो वो क्या होता है बच्चों? आपको आई गया होगा अब तो, आई होप, चोर्स। अब तो हमको फिल भी बहुत कम ही करना है, सी एच और आर और एस ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या जाएगा? चोर्स। ओके, नेक्स्ट है सेवन, अ बास्केट विद अ लिड, एक टोकरी ढक्कन के साथ। तो बच्चों ये क्या जाएगा आपका? हैम्पर, हैम्पर। ओके, नेक्स्ट है एट, गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, एक छोटी लेकिन तीखी चीखने की आवाज। तो वो क्या जाएगी आपकी? श्रिक, एस एच आर आई ई के ई डी। ओके, ठीक है बच्चों, ये आपका पजल जो है क्रॉस वर्ड पजल इज कंप्लीटेड। अब हम ये स्पीकिंग है ए पार्ट इन द स्टोरी, पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स ही हेट्स टू डू। पैट्रिक जो है करता है मुश्किल काम जिन्हें वो क्या है? घृणा करता है करना। बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प, क्योंकि बोना व्यक्ति जो है वो बहाना बनाता है कि उसे मदद की जरूरत है। हैव यू एवर डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग, क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जो मुश्किल हो, डराने वाला हो? बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, और इसका दिखावा करते हुए किसी दूसरे तरीके से करने का। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट, अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताएं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, और से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, और ये भी बताएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं होमवर्क के बारे में। ठीक है, द वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द बॉक्सेज में हेल्प यू, और बॉक्सेज में जो शब्द दिए गए हैं ये इनकी मदद से आपको फील करना है वो। डू यू थिंक इट इज यूजफुल, क्या आपके विचार से ये उपयोगी है होमवर्क? इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, यद्यपि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है। ठीक है ना, फोम पेयर जोड़े बनाइए एंड स्पीक टू ईच अदर, और एक दूसरे से बोलिए। तो ये आपको करना है आपस में, ये वाली एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यू मे से आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, आप कह सकते हैं कि मैं शौकीन नहीं हूं होमवर्क करने का। और आपका पार्टनर क्या कह सकता है? योर पार्टनर मे रिप्लाई, और आपका पार्टनर आपको जवाब दे सकता है बाय माय सिस्टर, बट माय सिस्टर हेल्प्स मी विद माय लेसंस एट होम, परंतु मेरी बहन मदद करती है मेरी घर पे होमवर्क करने में, लेसन में, एंड दैट गिव्स अ बूस्ट टू माय मार्क्स, और इससे मुझे क्या है? बढ़ावा मिलता है मेरे नंबरों में। बूस्ट क्या होता है? एनर्जी देना, बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, अब एक बार मैं इन फ्रेजेज का आपको मीनिंग बता देती हूँ। बी फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, टेक टू ले जाओ, डेवलप अ लाइकिंग फॉर, किसी के लिए रुचि विकसित करना, अपील टू, अपील करना, बी कीन ऑन, ललायत होना, लोभी होना, उत्सुक होना, हैव अ टेस्ट फॉर, किसी के लिए रुचि रखना, सपोर्ट सहारा, असिस्ट मदद, विद द एड ऑफ उसकी मदद से, हेल्प सहायता, बी अ बून वरदान होना, गिव अ बूस्ट टू, वही सेम चीज हो जाएगी कि बढ़ावा देना। ओके, अब राइटिंग पे आते हैं बच्चों। दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, इस कहानी में क्या है? बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स है, एज अ पोएम डज, जैसे कि एक पोएम में होते हैं। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम, क्या आप लिख सकते हैं एक पोएम की तरह इसके कुछ हिस्सों को? सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइंस, ताकि क्या है? द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइंस, जो राइम जो है आ जाए अंत में अलग लाइनों के। फॉर एग्जाम्पल पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक गृह कार्य कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, बहुत उबाऊ वह कहता था। ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेंट, इसकी बजाय वो क्या है? बेसबॉल हॉकी और निंटेंडो खेलता था। तो देखो यहां पे राइमिंग कहां पे हुई बच्चों? सैड इंस्टेड, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्या है राइमिंग किसमें होती है? पोएम में। अब बी पार्ट इसका, लुक एट दीज सेंटेंसेज, टू बोरिंग ही सैड, क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स। When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. जब हम बोलते हैं हम पराये क्या है शब्दों को छोड़ देते हैं जिनका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। We do not do this when we write, लेकिन लिखते हुए हम ऐसा नहीं करते बच्चों। जैसा यहाँ पे टू बोरिंग कह दिया और हमने समझ लिया, लेकिन लिखते हुए ऐसा
हम नहीं करते ऐसा, अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक। हम तो क्या है, कोशिश करते हैं वैसा ही लिखने की जैसा कि हम बोलते हैं। तो ये सो इफ वी वर्क टू राइट केयरफुली वी वुड से, यदि हम इनको ध्यान से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, होमवर्क इज टू बोरिंग ही सैड। इसको पूरा अगर हम लिखते हैं, देखो बच्चों यहां पे सिर्फ टू बोरिंग लिखा है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीटली लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये होमवर्क इज टू बोरिंग ही सैड, उसने कहा। और जो था ये क्लीन हिज रूम डिड हिज चॉर्च, क्लीन हिज रूम डिड हिज चॉर्च, इसको अगर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चॉर्च। अब सी पार्ट इसका, रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेज केयरफुली, दोबारा से लिखो इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेज को, कौन से सेंटेंसेज है बच्चों, इनकम्प्लीट है ये, सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट, ताकि लेखक जो है, पढ़ने वाला जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकता है, नहीं लगाता है व्हाट इज लेफ्ट आउट, कि क्या छूट गया है। फर्स्ट इसमें मोर एंड मोर बुक्स, तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई नीड मोर एंड मोर बुक्स, या माई टीचर रीड मोर एंड मोर बुक्स, या माई फादर रीड मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट है टू डिफिकल्ट, तो हम कह सकते हैं इट इज टू डिफिकल्ट, इसको कंप्लीटली बोलेंगे तो इट इज टू डिफिकल्ट, या फिर हम बोलेंगे सोल्विंग दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट, ओके। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से भी अपना बनाएंगे और कॉमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब थर्ड है गोट अप लेट मिस द बस, आई गोट अप लेट एंड मिस द बस, मैं लेट उठा और मैंने बस को मिस कर दिया। नेक्स्ट है सोल्व द मिस्ट्री, रहस्य को सुलझा लिया, माई ग्रैंडपा सोल्व द मिस्ट्री, या फिर विदाउट कॉमन सेंस वी कैन नॉट सोल्व द मिस्ट्री ऑफ आर लाइफ, हम बिना जो है कॉमन सेंस के हमारे जीवन में जो मिस्ट्री आती है उनको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो इस तरह से आप और भी फ्रेजेज अपनी लेसन से ढूंढेंगे और उनको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है अब ये डी पार्ट, लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, कौन सा कार्टून, ये, ओके बच्चों, ये जो है आपका कार्टून, इसको, और रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, और सेंटेंस जो दिया गया है कार्टून के नीचे उसको पढ़ो। देखो गेट ऑन विद योर होमवर्क, अपना काम करो, द समझ द कंपोजिशन, हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री फिजिक्स, कौन सा काम करो, सवाल कंपोजिशन इतिहास भूगोल केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और बंद करो ये लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पढ़ने का, वो पढ़ना बंद करो, ये क्या पढ़ रहा है इसका मतलब बच्चा, द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ओके बच्चों, कि कानून, कौन सा कानून, जो बच्चों के लेबर के विरुद्ध है, बच्चों से काम करवाने के विरुद्ध है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। तो अब ये कह रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, ये भी आपको अपने पार्टनर से ही डिस्कस करने हैं, व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है, तो ये किस बारे में है बच्चों, ये कार्टून हमारा किस बारे में है, इट इज अबाउट द मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। मिसयूज क्यों हुआ है बताओ, क्योंकि यहां पे चाइल्ड लेबर का मिसयूज कर रहा है बच्चा, बच्चा ये इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे काम के लिए बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो, जबकि क्या है, बच्चों का तो शोषण होना नहीं चाहिए, जबकि पढ़ना तो क्या है, रीडिंग क्या है बच्चों, बच्चों की ड्यूटी है, इट्स आर ड्यूटी, ओके, इट्स आर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी बनती है पढ़ना। अगर बाहर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उद्योग धंधों में कारखानों में, ठीक है, वहां पे काम करवाता है, या ढाबे वगैरह पे काम करवाता है, पैसे के लिए जो काम करवाते हैं, दूसरों के घर में भेजते हैं, फैक्ट्रीज में भेजते हैं, तो वो होता है चाइल्ड लेबर। अब पढ़ना, खुद को डेवलप करना, खुद का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, ये कोई चाइल्ड लेबर थोड़ी माना जाएगा बेटा, ये तो इट्स योर ड्यूटी। तो सेकंड है डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो भाई क्या आपको ये मजेदार लगता है, और लगता है तो क्यों, तो आपको खुद देना है। अब मैं तो अपने विचार ही रख पाऊंगी यहां पे कि हाँ इट्स फनी, यस इट्स फनी, और क्यों है फनी, क्योंकि बच्चा जो है यहां पे मिसअंडरस्टूड करता है किस चीज को, द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, द बॉय मिसअंडरस्टूड द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मिसअंडरस्टूड करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना जो है वो चाइल्ड लेबर के लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में नहीं आता है, ओके।
डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्रॉइंग? क्या आपके विचार से जो कार्टून है ये वो एक सीरियस ड्रॉइंग है, गंभीर ड्रॉइंग है? वाई और वाई नॉट? है तो क्यों, और नहीं अथवा नहीं है तो क्यों, दोनों पूछा है इसने। तो ये भी आपके खुद के विचार यहाँ पे आपको रखने हैं कि ये गंभीर क्यों है। ओके तो ये दोनों हो सकते हैं, आप अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में रखेंगे। ओके